पार्टी में वापस आने के बाद बागेश्वर धाम के धीरेन शास्त्री के बारे में क्या आपके आज भी वही विचार हैं जो आपने पहले कहा था? नहीं, मेरे कोई ऐसे विचार नहीं है। धीरेन शास्त्री जी राम कथा से जुड़े हुए हैं और राम कथा से जुड़ने वाले धीरेन शास्त्री कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं। कोई न वो मुझे जानते थे न मैं उन्हें जानता था। अनजाने में उनने भी कोई बात कह दी थी और ठटरी बांधने वाली बात, और अनजाने में ही मुझसे कोई बात निकल गई थी। लेकिन जो संदेश देते हैं श्री राम कथा का, वो एक अच्छा संदेश है। और राम जी ने ओबीसी एससी एसटी पिछड़े वर्ग के लोगों को गले लगाया और सबको सम्मान दिया, सबका साथ दिया, सबका उद्धार किया। जैसे सबरी के झूठे बेर खाए, केवट जी के साथ रहे, वो ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों को उनने एक देश को संदेश दिया एकजुट करने का, और एकजुटता से ही उनने लंका पर फतेह पाई थी। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी भी रामकथा वाचक हैं और रामकथा के जरिए लोगों को संदेश देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं गलत नहीं बोल सकता, ऐसे लोगों का तो मैं सम्मान करता हूँ और देश को भी सम्मान करना चाहिए। तो मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, वो देश के प्रति जो काम करते हैं, तो मैं भी उनके साथ में पीछे लगकर मैं भी देश के लिए, पिछड़े लोगों के लिए सम्मान देने का काम करूँगा और सेवा का काम करूँगा। क्या आप बागेश्वर धाम जाएंगे? बागेश्वर धाम एक धार्मिक स्थल है हमारे देश का और आस्था का केंद्र है। और बागेश्वर धाम मैं नहीं, सबको जाना चाहिए बागेश्वर धाम। और फिर मुझको तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का नौता आया है, उन्हें संदेश दिया है कि प्रीतम लोधी एक बार बागेश्वर धाम आए तो हम बैठ के चर्चा करें, तो मैं इस पर निश्चित जरूर जाऊंगा। क्योंकि इसलिए जाना जरूरी है कि कुछ लोगों ने देश के हमारा और बागेश्वर धाम जी के बीच में जहर घोलने का काम किया है, और वो जहर जब ही खत्म होगा कि जब हम बैठ के चर्चा करेंगे, और जिनने जहर घोला है उनको हम बेनकाब करेंगे और उनको लोगों के सामने लाएंगे कि जिन लोगों ने दो समाजों को, कईयों समाजों को बांटने का काम किया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी समाजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रीतम लोधी समाजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम अलग कैसे कर सकते हैं? तो यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है हमारी, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान और सबका विश्वास, और वही काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। जो सनातन को एक करने की पूरे देश के अंदर उनने जो मुहिम चलाई है, और उसमें हम और धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठकर चर्चा करके और उसको हम काम करना चाहते हैं दोनों मिलकर, और मैं भी एक शिष्य के रूप में इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और पूरे देश की समाजों को हम एक करना चाहते हैं। जैसे जैसे कि पिछोर विधानसभा में जातिगत माहौल बहुत ज्यादा है, जैसे आपकी लोधी समाज और ब्राह्मण समाज में मतभेद है, तो इसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री जी का हो सकता है अलग मत हो, आपका क्या है इसमें? मेरा मत यह है कि जो चोर विधानसभा से जो इनने चिंगारी भड़काई है, जो पूरे देश में चिंगारी आग लगाने का काम किया है, कुछ लोगों ने, पूरे लोगों ने किया, कुछ लोगों ने किया है, हम उसको एक तो आग बुझाएंगे और दूसरा उस जहर को हम खत्म करेंगे, और जहर को खत्म करके जितनी भी समाजों को इनमें अलग अलग किया है, हम सबको इकट्ठा करके नहीं और सबको मिलाने का काम करेंगे। वही काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, इनके साथ कर लेके वही काम प्रीतम लोधी करेगा। हमारा काम यही रहेगा कि हम सब समाज को एकत्रित करें। तो क्या पिछोर विधानसभा में बागेश्वर धाम की कथा भी हो सकती है? जी, जैसे बागेश्वर धाम पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुझे नौता दिया है, निमंत्रण दिया है, ऐसे ही मैं भी पिछोर विधानसभा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को निमंत्रण दूंगा और सम्मान सहित निमंत्रण दूंगा। अगर मेरा निमंत्रण वो स्वीकार करें हनुमान जी की कृपा से, तो इस पिछोर विधानसभा के लोगों को भी ज्ञान का भंडार, लोगों को लाभ मिलेगा, और यहाँ के लोगों को लाभ के साथ साथ एकजुट और सनातनम एकत्रित होने का भी मौका मिलेगा। दलितों ने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन प्रीतम सिंह तो बीच में उनका हाथ छोड़कर भाग गया। देखिए पत्रकार महोदय जी, प्रीतम लोधी भागने की चीज नहीं है। प्रीतम लोधी ने जो प्रतिज्ञा की है ओबीसी एससी एसटी और गरीब तबके की, कि मैं पूरा जीवन इनका साथ रहूंगा
और इनको न्याय दिलवाऊंगा, इनकी लड़ाई लड़ूंगा। अब मुझे आप ही बताइए, बगैर हथियार के क्या लड़ाई लड़ी जा सकती है? हथियार की जरूरत है ये लड़ाई में। अगर मुझे जनता ने जैसे विधानसभा रूपी हथियार, लोकसभा रूपी हथियार अगर मुझे दिया और मुझे बोलने का मौका मिला, मैं विधानसभा में बैठा, तभी तो मैं इनकी बात को उठा पाऊंगा, जभी तो मैं इनके सेवा कर पाऊंगा, जभी तो मैं इनको न्याय दिला पाऊंगा। इसकी न्याय दिलाने के लिए मुझे विधानसभा और लोकसभा जाना बहुत जरूरी है, और लोकसभा विधानसभा जाकर मैं जितनी भी इनकी ओबीसी एससी एसटी गरीबों की लड़ाई है और पूरे इनकी विचारधारा पर लड़ने के लिए मैं वहां जाकर इनकी लड़ाई लड़ूंगा। भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए, भाजपा देश की बहुत बड़ी पार्टी है, देश की नहीं विश्व की पार्टी है भाजपा, और भाजपा इस टाइम सत्ता में बैठी है। देखिए, लड़ाई दो ही पार्टी में लड़ाई जा सकती है, कांग्रेस और बीजेपी, तीसरी पार्टी आप देखिए उभर के अभी नहीं आ पाई है, प्रदेश में तो नहीं है। हाँ, प्रदेश में भी नहीं है, देश में भी नहीं है। तो भाजपा और भाजपा क्या है, विचारधारा की पार्टी है, भाजपा हिंदुत्व की पार्टी है। इसीलिए मैं भाजपा में रहकर ही विधानसभा जाकर इनके ओबीसी एससी एसटी गरीबों की लड़ाई लड़ सकता हूं और इसको अंजाम तक पहुंचा सकता हूं। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि यदि प्रीतम लोधी विधायक बन गया तो यादव और लोधी समाज के लोग क्षेत्र को खा जाएंगे। पत्रकार महोदय जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और 30 साल से मैं भी सुन रहा हूं। मैं जो प्रतिज्ञा की है और मेरी बात को आप पत्थर की लकीर मानना और नोट कर लेना, यादव और लोधी सारी समाजों की सेवा करेंगे और यहाँ पर अगर आप इतनी सेवा करेंगे कि आप रात के 12 बजे व्यापार कर सकते हो, रात के 12 बजे पूरी रात हमारी माताएं बहनें आप सुनसान रोड पर जा सकती हैं और पूरे लोग जो भी विधानसभा के लोग हैं इनकी सुरक्षा और रक्षा और संरक्षण देने का काम लोधी यादव करेगा। और प्रीतम लोधी जब सेवा कर रहा है तो लोधी यादव आप मान के तय चलना केवल केवल सेवा करेंगे। क्यों? आपने देखा 90,000 वोट मिला था मुझको, 90,000 वोट को एक समाज ने दिया मुझे, 90,000 वोट सारी समाजों ने दिया है मुझे। तो हमारा तो दायित्व बनता है कि सारी समाजों की सेवा करना। अब की बार मैं कांग्रेसियों को इस प्रश्न को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, ये बार बार इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। मैं वो चीज पेश करूंगा और वो काम करके दिखाऊंगा कि इनका बार बार इस बहाना जो लेते हैं मारने का, लोधी समाज का, यादव समाज का, इस क्वेश्चन को मैं चम्बल की गहराइयों में, इतने गहराइयों में दफन कर दूंगा इसको कि ये आवाज दोबारा कभी नहीं उठ पाएगी और सारा जीवन मेरा सेवा करने में लगेगा। अंबेडकर जी के आप काफी बड़े फॉलोअर हैं, लेकिन पिछोर विधानसभा में कांग्रेस एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करा रही है, आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे बड़ा अंबेडकर जयंती पर एक कार्यक्रम हो रहा है, तो आपकी क्या तैयारी, आप क्या कर रहे हैं या फिर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस ने सबसे पहला चुनाव माननीय अंबेडकर जी को चुनाव हराया था जमीन में मिलाने के लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने की कोशिश की थी, यहाँ के किशोर के विधायक ने वो मूर्ति नहीं लगने दी और प्रीतम लोधी पर केस लगा दिया। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी के हमारे जितने भी ऐतिहासिक महापुरुष रहे हैं उनकी एक भी मूर्ति लगाई हो मुझे बताइए? लोगों को छुपके रात को मूर्तियां लगाना पड़ रही हैं, वो विधानसभा है ये कांग्रेस की। आप देखिए, अगर बीजेपी की अगर शासन आता है, विधायक बनता है, तो आप देख लेना बाबा अंबेडकर जी को कहां से कहां हम पहुंचाएंगे और कहां से कहां उनके लिए हम काम करेंगे। आप देखिए, कितने भी जगह हो, सरकारी जगह पड़ी है, उन लोगों ने केवल केवल केपी सिंह के कांग्रेस के लोगों ने घेरी है, लेकिन महापुरुषों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है इन लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस केवल वोटों के लिए मना रही है, इससे पहले कभी मनाया हो तो आप बता दीजिए, ताकि जनता बता दे कि कोई भी मनाई हुए ओबीसी एससी एसटी के महापुरुषों की जयंतियां, ओबीसी महापुरुषों की मूर्तियां, वो काम अब जनता कर रही है,
तो इसलिए मैं कांग्रेस से कहना था ये ढोंग धतूरे छोड़ दें, ये नाटक नोटंकी अब नहीं चलेगी, जनता सब जान चुकी है।